नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में रहुसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। खबरों को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर चैनल को जिन लोगों ने नहीं किया अभी तक हमारे सब्सक्राइब, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएँ ताकि खबर का मैसेज आप तक पहुँचे और आप खबरों से रूबरू हो सकें। खबरों को शेयर जरूर करें ताकि आप देखें और आपके इष्ट मित्र भी देखें। आपको बता दें कि ये जो तस्वीर आपको हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे के माध्यम से नज़र आ रही है, ये 30 नवंबर 2021 दिन मंगलवार जनपद सीतापुर के थाना प्रभारी महेश चंद पांडे और रेवसा पुलिस के द्वारा बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक अवैध तमंचे, देसी तमंचे के साथ गिरफ्तार किए गए युवक की तस्वीर है, जो कि आप स्पष्ट देख पा रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल के कैमरे में। वहीं पर रेवसा पुलिस के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई करते हुए जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की गई। बताते चलें कि थाना प्रभारी महेश चंद पांडे के द्वारा बताया गया कि पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह और क्षेत्राधिकारी अभिषेक प्रताप अजय बिस्वा और एडिशनल एसपी राजीव दीक्षित के दिशा निर्देशानुसार चलाए गए शस्त्र निर्माण वांछित अभियान के अंतर्गत युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की गई। बताया कि थाना रेवसा क्षेत्र से ग्राम पंचायत रमुआपुर कालिका सिंह के मजरा सधुआपुर निवासी रंगीलाल पुत्र छंगा बिहारी को चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत सोमवार को गश्त के दरमियान गिरफ्तार किया गया। वहीं पर तलाशी दरमियान रंगीलाल पुत्र छंगा बिहारी के पास से एक अवैध 315 बोर देशी तमंचा बरामद कर अभियुक्त को मंगलवार को जेल भेजने की बड़ी कार्रवाई की गई है, जैसा कि आप देख रहे हैं।